विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर किसान एवं युवक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। उत्तर प्रदेश के 9 लोकसभा अमरोहा क्षेत्र में जनपद हापुड़ की विधानसभा गढ़ मुक्तेश्वर के पूर्व विधायक डॉक्टर कमल सिंह मलिक ने जनपद अमरोहा के दिल्ली नेशनल हाईवे स्थित ग्राम जलालपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार चाहल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया का पूर्व विधायक कमल सिंह मलिक ने फूल मालाओं के साथ सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। सम्मान समारोह में जनता को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहल ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि सन 2024 तक देश में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, वहीं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले हर गरीब मजदूर व्यक्ति को निःशुल्क राशन, आयुष्मान कार्ड, शहरी ग्रामीण आवास, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि आदि योजनाएं देकर सभी को आगे बढ़ने का काम किया है। आज देश का हर व्यक्ति भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहा है और आने वाले समय में भारत एक विश्व गुरु देश बनेगा। मसीहा चौधरी चरण सिंह जी एवं इस राष्ट्र के विकास की नींव रखने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती से पूर्व सप्ताह में हमने ये कार्यक्रम किया है। ये अमरोहा की धरती किसानों की धरती है। यहाँ हमने किसानों को और बहुत सारी प्रतिभाओं को यहाँ सम्मानित किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा जो किसानों की समस्याओं को लेकर के प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके कैसे किसान का जीवन खुशहाल हो उसके लिए चिंतन करते रहते हैं, आज इस धरती पर आए, सब किसानों की बात सुनी है उन्हें, हमने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। बहुत सारी प्रतिभाएं जो अमरोहा से निकल करके जिनके बेटे यहाँ से IAS बने हैं, PCS बने हैं, जज बने हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं, उन सब का सम्मानित करने का काम किया है। दोनों महापुरुषों की जयंती के अवसर पर ये एक पहली पहल है। इसके लिए जो लोग यहाँ आए क्षेत्र के, जो भी यहाँ जो भी किसान पधारा है, पार्टी का कार्यकर्ता पधारा है, मैं उनके चरणों में वंदन करते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है।